Assalamualaikum guys, welcome back to another video on my YouTube channel। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो आ चुके हैं अपनी एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, जिसमें आज हमने बनाया एक ग्रोसरी स्टोर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रोसरी स्टोर की निशानी हमने बाहर भी हमने अपनी कैरेट्स और क्या कहते हैं उसे, चिकंदर कहते हैं इसको, और वो हमने क्या नाम है उसको उगाया हुआ। अंदर जाते ही हमें मेलन मिल जाते हैं, साथ में पम्पकिन आ जाते हैं हमारे, एप्पल, कैरेट और पोटैटो, और ये बीफ लगा हुआ है। तो इसी के साथ हमने फिश वाला भी रखा हुआ, क्योंकि सर्दियाँ हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मछलियों का दौर चल रहा है, तो मछलियों का सीज़न बल्कि चल रहा है, दौर तो नहीं सीज़न चल रहा है। तो जैसा कि बहुत से लोग पसंद करते हैं मछली खाना, तो इसीलिए यार हमने आज मैंने ग्रोसरी स्टोर बना के उसमें फ़िश भी ऐड कर डाली है। तो चलें, बस व्यू कंप्लीट होने वाला ही है, बस इसके बाद फिर हम आपको यही बनाकर दिखाएंगे कि यार हमने कैसे बनाया है और ये क्यों बनाया है। तो चलें, बस हमारा व्यू कंप्लीट होने ही वाला है। अरे भाई मकड़ी क्यों कितनी आहिस्ता चल रही हो। साथ ही आपको मेरा रेस्टोरेंट नज़र आ रहा होगा, जिसकी वीडियो मैंने कल अपलोड की थी, बट वो मसले की वजह से मैं डिलीट करनी पड़ी। तो चलें अब आपको हम बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले यार हमने एक सिक्स ब्लॉक के, हमने येलो ब्लॉक से हमने उसकी ऊंचाई सिक्स ब्लॉक रखनी है, और आपस में इन्हें मैच कर देना है, और उसके बाद हमने ब्रिक से यूज़ करनी है। तो अब इन्हें आपस में मैच कर देंगे, और हम आगे आगे वाली साइड पर जाएंगे तो हमें फोर ब्लॉक्स हमने आगे रखनी है। फोर ब्लॉक्स रख कर थ्री ब्लॉक्स हमारी जिनसे ऊंचाई बन जाएगी। इसी तरह यहाँ से हम इसे पूरा कवर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमने कुछ भी विंडो वगैरह नहीं बनी, वो हमारी विंडोज़ हैं। क्योंकि यहाँ पर कौन सा हमारा यहाँ ना, यहाँ पर हमारा बीफ का काउंटर आएगा, और इसी के सामने हमारा फिश काउंटर बनेगा। तो चलें हम जल्दी जल्दी करते हैं यार। तो जो कि यार ये मेरा कंप्लीट हो ही चुका है। बस अब हम यूँ करेंगे कि हमने जो है पीछे वाली इसकी साइड्स हैं, यानी इसकी साइड्स और इसकी जो है बैक है, हमने इसको बिल्कुल येलो से हमने कवर कर देना है, क्योंकि हमने कोई यहाँ पर हमने विंडो वगैरह नहीं रखनी, कोई कुछ नहीं रखना ग्रोसरी स्टोर में, क्योंकि विंडोज़ होती नहीं हैं, क्योंकि इन्हें जो फ्रेश एयर चाहिए होती है वो अंदर से ही मिल जाती है ऑक्सीजन के ज़रिए, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पम्प लगे होते हैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर। तो बाकी हम आपको दिखाते हैं बाकी हमने क्या करना है। तो चलिए जब तक ये कंप्लीट हो रहा है, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आप वीडियो देख रहे हैं, तो हम मिलते हैं आपसे थोड़ा सा वीडियो के आगे एंड में आकर।
तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम यहाँ पर अपने लाइट रोड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो जाती है। और देखें आप, जैसे कि रोशनी रात है और फिर भी हमारे ग्रोसरी स्टोर में इतना ज़्यादा रोशनी है कि ये ऐसे लग रहा है जैसे कि दिन है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ताकि रात में भी अगर कोई शॉपिंग वगैरह करने आए तो उन्हें चीज़ें वगैरह देखने में मसला नहीं हो। तो चलें, ये हमारा जो सा फिश काउंटर है, आपने पहले देख ही लिया होगा अगर आपने वीडियो फुल वॉच की है। तो चलें अभी येलो कंक्रीट के जरिए हम ऊपर से इसको फुल कवर कर डालते हैं। तो आज मैंने वीडियो यार क्योंकि काफ़ी तेज़ नहीं की थी, क्योंकि आज मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इसको तेज़ किया ही नहीं। तो उम्मीद है कि आप सब लोगों को देखने में आसानी होगी। तो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।